अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज आ गई वाली क्लास एट की मैथ की, न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक टू, क्वेश्चन एट पार्ट सी, मेथड कौन सा सब्स्टिट्यूशन। एट का ए और बी का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसमें कोई मसला है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा बाकी के एक्सरसाइज ए वन ई के जो क्वेश्चन है उनका भी लेक्चर अपलोड है, हमें मसला है वो भी हम देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है? देखो, सब्स्टिट्यूशन का इसके साथ इसी एक्सरसाइज में दो कंसेप्ट का जिक्र किया गया है मेथड का, एक एलिमिनेशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में ये होता था कि हम एक्स जो वेरिएबल होता था या वाई वेरिएबल होता था उसको एलिमिनेट करते थे। अगर हम एक्स को एलिमिनेट करते थे तो वाई की वैल्यू निकल आती थी, और वाई अगर एलिमिनेट होता था तो एक्स की वैल्यू निकल आती थी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है अब दूसरा मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये मसला होता है कि इसको आप इस तरह समझें कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि जैसे आपकी टीचर है वो नहीं है अवेलेबल, तो क्या होता है कि आपके जो प्रिंसिपल हैं या जो भी है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या करेगा कि आपकी कोई और टीचर आपकी क्लास में भेज देगा। तो वो असल में जो नया टीचर आएगा, एक टीचर के एबसेंट होने की वजह से वो आपका सब्स्टिट्यूट टीचर होगा। वो मे भी एक या दो दिन आए या एक आधे पीरियड के लिए आए, और उसके बाद आपका दूसरा टीचर आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूट का ये मतलब होता है कि किसी एक को दूसरी की जगह रिप्लेस कर देना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, आप देखेंगे साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अब फ्रॉम वन में क्या करूँगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू टू माइनस सेवन वाई। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जो प्लस सेवन वाई था उस तरफ जाके माइनस सेवन वाई। अगले स्टेप में ये होगा कि 2 माइनस सेवन वाई, ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हुआ था इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, इसको इक्वेशन में a कह दूंगा। अब इस दो स्टेप में मैंने ये किया कि x की वैल्यू को इस पूरे चीज जो इक्वेशन है उसमें से x को अलहदा कर लिया, बाकी की जो चीज़ें थी उनको मैंने सेपरेट कर लिया, बिल्कुल अलहदा कर होगी x को अलहदा कर लिया। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, पुट इन 2 करूँगा, यही अब मैं सब्स्टिट्यूट कर लिया, पुट इन 2 है, ये वाला टीचर आपका नहीं था, आपके जो प्रिंसिपल था उसने ये वाला टीचर आपके इस क्लास में भेज दिया, तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये 6 है, इधर का x है, तो x की जो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये x की वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ये वैल्यू इन रिप्लेस हो जाएगी, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। क्या किया हमने, इस वाली इक्वेशन से x को अलग किया, एक्स के अलावा बाकी जो भी चीज वैल्यू हमारे पास आई है उसको हमने क्या किया, जहां हमें इक्वेशन 2 में एक्स नजर आ रहा था उसमें हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ एक्स था, तो उसकी देखो इस पूरी की जगह इस एक्स की जगह देखो आप, तो ये वाली वैल्यू नजर आ रही, बाकी 6 एज इट इज आ गया, माइनस 5y एज इट इज आ गया, और 4 एज इट इज आ गया। अब देखो 3 का टेबल 2 टाइम जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 2 माइनस 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 14, और माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 4 माइनस 19y इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या हुआ, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 19y। अब देखिए क्या हुआ, ये जो प्लस 4 था अगर आपके माइनस हो गए, ये 19y बन जाएगा प्लस हो गया, तो 4 में से 4 गए तो 0, तो 19y 0/19 इज इक्वल टू 1। ये 19 मल्टीप्लाई होता था डिवाइड हो गए, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 है, पुट इन a। अब a में इधर पुट करो, आपके पास x की वैल्यू आ गई, क्योंकि x की तो वैल्यू नहीं है, ये तो सिंपल क्या हुआ कि x इक्वेशन में से सेपरेट हुआ, x ने अपने आप को अलग कर लिया से, तो x आ गया 2 माइनस 7 y की जगह 0 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3 आ गई। तो हमारे पास जो आंसर आया 2/3 है, 0 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। सी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसी के बाद आगे चलते हैं पार्ट डी। अब पार्ट आ गया जी हमारे पास एल डी। अब पार्ट डी जो है वो हमारे पास क्या है, 9x 2y 5 इक्वेशन 1, 7x 3y
इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास इसका आ गया पार्ट 2। अब हम देखें अगेन हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 क्या है 9x इज इक्वल टू 5, ये प्लस 2y इधर जाके माइनस 2y हो जाएगा। 9x इज सॉरी x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y पावर 9, ये मल्टीप्लाई हुआ था उस तरफ जाके इसके नीचे क्या हो गए डिवाइड हो गए। अब इसको मैं क्या करूंगा इक्वेशन ए कह दूंगा और पुट इन 1 2 कर दूंगा, पुट इन 2 कर दूंगा। अब देखिए ध्यान, ये 7 एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है 5 माइनस 2 वाई पावर 9 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 30। अब क्योंकि यहाँ तो कटिंग होती नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा 7 5 से 35, 7 2 से 14, 9 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 30। अब हमारे पास क्या होगा कि मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई 9 ऑन बोथ साइड, 9 मल्टीप्लाई करूँगा, 9 क्यों मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब देखिए क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 14 वाई अवर 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 वाई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 30, ये होगा। ये एक टर्म थी इसके साथ भी 9 मल्टीप्लाई हुआ, ये एक टर्म थी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ 9, और ये इक्वल के क्योंकि बोथ साइड मतलब इक्वल के उस तरफ भी मल्टीप्लाई करना तो ये 13 था इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ एंड ये कट गया 35 माइनस 14 वाई माइनस 27 वाई, 9 3 से 27 और 39 से 170। अब क्या हुआ ये दोनों क्योंकि सेम है इनके साथ वेरिएबल है लाइक टर्म है, ये भी वाई है ये भी वाई है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 7 और 4 11, 11 का 1 लगा 1 कैरी चला गया 2 और 3 4 41 वाई साथ साथ माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस 14 है और ये क्या है हमारे पास माइनस 27 है तो माइनस 27 और माइनस 14 माइनस 41 हो गए और 117 ये 35 को जाएंगे क्या हो जाएगी माइनस का हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया माइनस 41 वाई इज इक्वल टू, अब देखो 117 से 35 क्या कर रहे हो माइनस पीछे कितना बचेगा 2 और 40 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना बचे जाएगा तो 82 है हमें क्या चाहिए वाई चाहिए 41 एक्स्ट्रा है तो 82 और ये आप इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा साथ साइन माइनस का तो अब क्योंकि 117 बड़ा था तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगता है तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 41 सॉरी तो ये 2 टाइम तो 2 आ गया 14 ए पे फुट कर दो एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 वाई वाई की जगह माइनस 2 नीचे 9 भी देखिए इधर जहाँ वाई था वहाँ माइनस 2 फुट कर दिया तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा तो प्लस 4 डिवाइड बाय 9 तो x इज इक्वल टू 9 अगर 9 9 1 जा 9 तो x की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास 1 और माइनस 2 जो है बी का आंसर आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन के दो पार्ट आपने और भी कर लिए, ए और बी ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है ये भी हमने जो है दो कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन में किसी किस्म का कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।